अगर हम कहें कि आप कैश मार्केट में लगने वाले इन्वेस्टमेंट से कम अमाउंट में वही सेम स्टॉक्स को ट्रेड कर सकते हो और कैश मार्केट में मिलने वाले रिटर्न से ज्यादा रिटर्न भी कमा सकते हो तो बोलिए करोगे? आज हम ट्रेडिंग के काफी फेमस और यूज किए जाने वाले डेरिवेटिव के बारे में बात करेंगे। हाई, आई एम ऋषभ शर्मा एंड दिस इज एस्प्रेसो बूटकैंप। हियर यू विल लर्न स्किल्स दैट विल हेल्प यू टू नेविगेट योर स्टॉक मार्केट जर्नी। हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि फ्यूचर्स क्या होते हैं और स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स क्या होते हैं और स्टॉक फ्यूचर्स और इंडेक्स फ्यूचर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। फ्यूचर्स के बारे में जानने के लिए आप सब लोग इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। इससे पहले हम स्टॉक्स और इंडेक्स फ्यूचर्स की बात करें, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड ये फ्यूचर्स होते क्या है। लाइक वी मेंशन्ड इन आवर प्रीवियस वीडियोस, फ्यूचर्स आर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। दिस मींस दैट दे डिराइव देयर वैल्यू फ्रॉम एन अंडरलाइंग एसेट विच कुड बी एनीथिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक न्यूज पेपर 5 रुपए का है। ये 5 रुपए की वैल्यू काफी फैक्टर्स को देखकर डिराइव की है, जैसे कि रीडर्स का इंटरेस्ट, रॉ मटेरियल्स एटसेट्रा। अगर इन फैक्टर्स में जरा सा भी चेंज आता है तो न्यूज़पेपर की वैल्यू के अंदर भी फर्क आ जाएगा। फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यू कैन कंसिडर दिस न्यूज़पेपर एज द डेरिवेटिव ऑफ 2 फैक्टर्स। अब बात करते हैं स्टॉक फ्यूचर्स के बारे में। स्टॉक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स उनके अंडरलाइंग स्टॉक्स से अपनी वैल्यू डिराइव करते हैं एंड अनलाइक द कैश मार्केट, स्टॉक फ्यूचर्स आपको शॉर्ट पोजीशन ओवरनाइट कैरी करने का भी राइट देते हैं। और तो और, स्टॉक फ्यूचर्स आपको कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिटर्न भी देते हैं, पर एट द सेम टाइम इनमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होती है। लेट्स अंडरस्टैंड दिस विद अ स्मॉल एग्जांपल। सपोज अ स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 2000 रुपीज एंड यू वॉन्ट टू इन्वेस्ट 1 लाख रुपीज। सो कैश मार्केट में आप सिर्फ 50 शेयर्स ही बाय कर पाओगे। इफ द शेयर प्राइस राइजेस टू 3000 रुपीज तो आपका टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 50,000 रुपीज। यहीं पर अगर आप सेम शेयर के फ्यूचर्स को बाय करते तो आप उन शेयर्स को लॉट में बाय कर सकते हैं। एक लॉट बेसिकली एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आने वाले नंबर ऑफ शेयर्स होते हैं, जो कि हम इस एग्जांपल में मान लेते हैं 250 शेयर्स हैं। लेट से कि आप 1 लाख रुपए में उस स्टॉक का एक ही लॉट बाय कर पाते हैं। आपके पास अब 250 क्वांटिटी के शेयर्स हो गए हैं। एंड कंटिन्यूइंग विद आवर एग्जाम्पल, इफ द स्टॉक प्राइस राइजेस फ्रॉम 2000 रुपीज टू 3000 रुपीज तो हमारा प्रॉफिट हो जाता है 2.5 लाख रुपए। कैसे हुआ? 250 क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, दैट इज 1000 रुपीज। योर प्रॉफिट इन द फ्यूचर मार्केट इज ऑलरेडी 5 टाइम्स दैट ऑफ द कैश मार्केट। स्टॉक फ्यूचर्स में आप करेक्ट होने पर अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। लास्टली, अब बात करते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स के बारे में। दोस्तों, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स की तरह ही वर्क करते हैं, बस एक की डिफरेंस है। इंडेक्स फ्यूचर्स आर नॉट सेटल्ड लाइक द स्टॉक फ्यूचर्स एज इट इज नॉट पॉसिबल टू फिजिकली डिलीवर एन इंडेक्स अपॉन एक्सपायरी। इंस्टेड दे आर कैश सेटल्ड ऑन अ डेली बेसिस बेस्ड ऑन द इंडेक्स मूवमेंट। इंडिया के सबसे ज्यादा ट्रेड किए जाने वाले इंडेक्स के जो फ्यूचर्स हैं वो सिर्फ 2 ही हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोस्तों, फ्यूचर्स काफी हाई रिस्क और काफी हाई रिवॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट है। आपको इन्हें काफी अच्छी नॉलेज और एक्सपर्टीज के साथ ही ट्रेड करना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। टेल अस व्हाट यू थिंक इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.